अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आप सभी को मेरी तरफ से ईद मुबारक। होप आपकी ईद अच्छी रही हो। और फिलहाल हम इंडिया में हैं। जैसे मैंने अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि मैं इंडिया ट्रैवल कर रहा हूँ बांग्लादेश से बाय रोड, और अब हम वापस 8 तारीख को जा रहे हैं। शायद क्वेश्चन है, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि आपकी क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही हैं। तो क्लासेस विल स्टार्ट ऑन 1 अगस्त 2022। ओके, अब मत पूछना कोई कमेंट में कि क्लासेस कब से स्टार्ट हो रही है, क्योंकि ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और उस नोटिस में लिखा हुआ है कि 1 अगस्त से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। इसके बाद ये डेट डिले नहीं होगी, ठीक है? तो ना मई, ना जून, ना जुलाई, क्लासेस विल स्टार्ट ऑन 1 अगस्त। होप यू आर वेरी क्या कहते हैं उसे एक्साइटेड, यू आर वेरी वेरी एक्साइटेड एंड कम मार्क्स वालों आ जाओ। तो बांग्लादेश जाने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो मैंने करी थी, आपके लिए वेरी हेल्पफुल होगा वो, अगर आप थोड़ा ध्यान दें इन बातों पे। सबसे पहले आप कितना सामान लेके जा सकते हैं, आप 27 kg लेके जा सकते हैं, वरना उससे ऊपर आप चार्ज लेते हैं, वो मे बी पता नहीं कितना चार्ज लेते हैं। हमारा मेरा नहीं लगता था, मैं 27 kg लेके गया था, तो आपको 27 kg लेके जान देंगे, 7 kg इन हैंड बैग एंड 20 kg इन लगेज। ओके, तो उसके बाद आपका आता है कि बैग में क्या क्या रखें। सबसे पहले तो अपनी 10th और 12th की मार्कशीट जो आपकी कॉलेज में जमा होगी, ठीक है, कॉलेज वाले रख लेंगे उसको, सबमिट करेंगे और वो आपको देंगे फर्स्ट प्रॉफ के बाद, ठीक है। और उसके बाद आपकी आती है पासपोर्ट, एटीएम कार्ड, कौन सा वाला एटीएम कार्ड आपको चाहिए, प्लैटिनम आता है ना वीज़ा, इसमें लिखा होता है इंटरनेशनल ग्लोबल डेबिट कार्ड, ठीक है, वो आपका वहाँ पे यूज़ होगा। उसके चार्जेस हैं 180 rupees कटेंगे आपके पर ट्रांजैक्शन पे, जैसे आप 1000 taka निकालोगे तो यहाँ पे आपके 1000 approximately 1000 rupees ही कटेंगे। तो मेरी आपको एडवाइस ये है कि जितना हो सके उतना इंडियन रुपीस लेके जाए कैश में, क्योंकि उसमें क्या होता है कि अगर आप ATM से पैसे निकालोगे तो आपका सेम प्राइस पड़ता है, मतलब आप 1000 taka निकालोगे तो 1000 rupees ही पड़ेंगे आपको। लेकिन अगर आप कैश लेके जाओगे तो वहाँ पे आपको जहाँ पे मनी एक्सचेंज होता है वहाँ पे अगर जाके आप एक्सचेंज करवाओगे तो आपको जैसे 1000 के 1180 rupees मिलेंगे। तो इट्स वेरी मतलब काफ़ी है ये। सिम कार्ड यूज़, सिम कार्ड कैसे यूज़ करते हो, सिम कार्ड का मैं बता देता हूँ। सिम कार्ड में जैसे आप बांग्लादेश पहुँचोगे वहाँ पे ही एयरपोर्ट पे जैसे आप निकलेंगे तो वहाँ पे छोटे छोटे स्टॉल लगे होंगे, मतलब स्टॉल होंगे या फिर एक कैबिन होगा, वहाँ पे जाके आप अपनी सिम ले सकते हो अपने वीज़ा पर। पर वो सिम तब तक ही चलेगी जब तक आपका वीज़ा क्या होता है, वीज़ा आपका एक्सपायर ना हो। जैसे आपका वीज़ा एक्सपायर होगा आपकी सिम बंद हो जाएगी, जब आप उसको रिन्यू कराओगे आपकी सिम वापस कर दी जाएगी, तो आपको 5 साल ऐसे ही चलाना पड़ेगा। और बाकी ATM कार्ड मैंने बता दिया कौन सा लेके जाना आपको, इंटरनेशनल ग्लोबल डेबिट कार्ड, हो सके तो सर मतलब गवर्नमेंट बैंक का लेके जाइए, गवर्नमेंट बैंक में कम फेयर लगता है। देन उसके बाद आता है आपका एक मिनट, उसके बाद आता है आपका फ्रॉम वेयर, हाँ, आपको MBBS की बुक्स कहाँ से लेनी है। आपको बुक्स लेनी है बांग्लादेश से, वहाँ पर आप जाएंगे अपने सीनियर से कॉन्टैक्ट करें, वो आपको एक नंबर देंगे, शॉप का नंबर देंगे, वो शॉप्स आपको बुक डिलीवर कर देंगे आपके हॉस्टल पे, तो आपके लिए इजी होगा। बाकी मार्केट जाना बेकार है मेरे हिसाब से, आपकी बुक्स आ जाएंगी ऑलमोस्ट 6000 taka में, सारी बुक्स आ जाएंगी आपकी, क्योंकि मेरी इतनी की आई थी, प्रैक्टिकल कॉपी भी उसमें इंक्लूड होगी। और फर्स्ट थिंग मतलब फर्स्ट टाइम नेसेसरी थिंग, यू शुड कैरी स्नैक्स, बहुत सारे स्नैक्स लेके जाने हैं आपको, क्योंकि घर की बहुत याद आने वाली है कुछ दिनों तक, तो स्नैक्स ही काम आएंगे। खाना आपको अच्छा लगेगा नहीं, क्योंकि एकदम टेस्ट बदलेगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ चावल मिलते हैं, रोटी मिलती है पर स्पेसिफिक जगहों पर, या खुद बना सकते हो रोटी, तो आटा भी मिलने लग गया जैसे कमेंट में लोग बता रहे हैं। और बेलन लेके जाना, ढूंढना ना पड़े। हाँ, तो खाना तो फर्स्ट पहले जाके आप बना भी नहीं पाओगे, तो आपको बाहर ही खाना पड़ेगा मेरे हिसाब से, तो इसलिए कैश ज़्यादा लेके जाना चाहिए। ऑलमोस्ट 32-35000 आपको लेके जाना है इंडियन कैश, क्योंकि वहाँ पे आपको जाके बोन सेट खरीदना है। बोन सेट दो लोग एक साथ मतलब दो लोग खरीदते हैं, शेयरिंग करते हैं उस बोन सेट की, हाफ एक पर्सन रखता है, हाफ एक पर्सन रखता है, वो इजी हो जाता है आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आप बोन सेट ले लेना वहाँ जाके, और बुक्स, और फिर आपका जो भी एक्सपेंसेस है, जैसे वहाँ पे आपको कुशन उशन खरीदना हो, बेडशीट कुछ खरीदना हो, या नेसेसरी थिंग्स, टूथपेस्ट, ये सब खरीदना हो, ये तो वैसे आप मेरे
हिसाब से आपको लेके जाना चाहिए साथ में स्टार्टिंग में, क्योंकि वहाँ पे आपको लौटेंगे। हाँ, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट, इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, आपको वो लेके जाना ही है। कोशिश करें कि एडमिशन हो, जब आपका एडमिशन हो तो उससे पहले एक बार कॉलेज जाने से पहले आपको इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट मिल जाए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बिना आपका डिग्री नहीं मिलेगी एमबीबीएस की। तो अब आता है आपका ए टी एम यूज़ है आपका। सबसे पहले आपको बैंक में जाके इंटरनेशनल ऑन करवाना पड़ेगा, अपना इंटरनेशनल कैश निकालने का जो डेबिट होता है वो ऑन करवाना पड़ेगा बैंक में जाके, वो आप करवा लेना कहीं से भी, मतलब जिस बैंक का आपका ए टी एम है वहाँ से जाके आप अपना ऑन करा लेना, उसके बाद तभी आप वहाँ से पैसे निकाल सकते हो। एप्रन आपका फुल स्लीव चलता है, आपको यहाँ पे पिक्चर दिख रही होगी, ऐसा एप्रन चलेगा यहाँ पे, और हो सके तो आप घर से एप्रन लेके जाना, बाकी कॉलेज वाले आपको प्रोवाइड कराएंगे एक एप्रन जाना, और फॉर्मल कपड़े, फॉर्मल ड्रेस, फॉर्मल शूज़, क्योंकि फॉर्मल शूज़ वहाँ पे बहुत महंगे हैं। जैसे कि मैंने गलती कर दी थी, मैं लेके नहीं गया था, तो मैंने 3700 के ख़रीदे थे, तो मे बी इट्स मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा प्राइस है, तो आप यहीं से लेके जाएँ। फॉर्मल कपड़े जितने हो सके उतने लेके जाएँ, क्योंकि कॉलेज में वही चलते हैं। और हेयर कट, मतलब बी लाइक डॉक्टर, डोंट बी लाइक छपरी, छपरी अपनी नहीं दिखना आपको, डॉक्टर की तरह पर्सनैलिटी बनानी है, ताकि कॉलेज में आपका इंप्रेशन बने, टीचर्स मतलब इम्प्रेस हो आपसे। इस तरह से आपको अपना कॉलेज मतलब अपने ड्रेस मेंटेन करना है, ताकि जब आप वाइवा देने जाएं या कुछ भी आइटम देने जाएं, तो मैम आपके मतलब ड्रेसिंग सेंस को देख के इम्प्रेस हो, मतलब उन्हें लगे कि हाँ ये डॉक्टर है, थोड़ा पता लगे। और उसके बाद बैकपैक में आप लेके जा सकते हैं यहाँ से 27 kg, हर फ्लाइट का अलग अलग होता है, जैसे मैं विमान बांग्लादेश से गया था तो उसमें 27 kg अलाउ करा था, बाकी एयर इंडिया में 33 kg अलाउ करते हैं, तो आप वहाँ पर ट्राई कर सकते हैं, आप चेक कर लेना। और लगेज में ज़्यादा लिक्विड सामान मत लेके जाना, जितना हो सके मतलब ड्राई नॉन लिक्विड सामान लेके जाना, खाने पीने की चीज़ें जैसे स्नैक्स हो गए वो जितना हो सके उतना ज़्यादा लेके जाना, और लिक्विड कम लेके जाना, शैम्पू वैम्पू एक बॉटल लेके चले जाना, और हो सके तो जितना लिक्विड सामान आप लेके जाएंगे उसे लगेज में रखें, हैंड बैग में ना रखें, क्योंकि हैंड बैग में चेकिंग होती है, वहाँ पर वो आपका अलाउ नहीं करेंगे ले जाना, वहीं पर कस्टम में ही रोक लेंगे आपका सामान सारा जितना होता है। उसके बाद आपका आपका आता है एटीएम यूज़ हो गया, स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप में आपको फर्स्ट और सेकंड ईयर में कोई ज़रूरत नहीं है उसकी, फिर भी आपको लेके जाना तो लेके जा सकते हैं, कोई इतना वैसे कोई ज़रूरत नहीं होती, कुछ दो चार प्रैक्टिकल होते हैं फिजियोलॉजी में, जैसे बीपी चेक में स्टेथोस्कोप यूज़ होता है, वो कॉलेज वाले प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो मेरे हिसाब से हमने तो अभी तक ख़रीदा नहीं है, आप ले लेना, थर्ड ईयर में काम आएगा आपके, तो ले लेना आप, इट्स बेनिफिशियल फॉर यू। मेरे हिसाब से कोई नीड नहीं है उसकी, मैं थर्ड ईयर में लूँगा, मैंने भी लिया ना, मेरे किसी रूममेट ने लिया, ठीक है। बाकी शूज़ का मैंने आपको बता दिया, फॉर्मल शूज़ जितने हो सके आप यहीं से लेके जाएं इंडिया में, क्योंकि यहाँ पे सस्ते मिलते हैं, वहाँ पे जाके बहुत महंगे मिलते हैं। ड्रेसिंग ड्रेस जितनी भी आपकी मतलब फॉर्मल ड्रेस जितना हो सके लेके जाएं, गर्ल्स आपको सूट पहनने के लिए अलाउ करेंगे वहाँ पे, जीन्स वींस अलाउड नहीं है कॉलेज में, हमारे कॉलेज में तो नहीं है। हाँ, वहाँ पे जाके आपको अपना बिहेवियर कैसे रखना है, अपना बिहेवियर आपको पहली बात तो हर टीचर को वहाँ पे सलाम करना है, क्योंकि एज अ मुस्लिम कंट्री वहाँ पे कल्चर है कि मतलब मुस्लिम वाला कल्चर चलता है, तो हर टीचर को आपको सलाम करना है। सलाम करने का मैंने आपको मतलब बताया था कि अल्लाह आपको अपनी रहमत में रखे, तो ये अच्छी बात है, आप किसी को दुआ दे रहे हैं कि आप अपनी रहमत, अल्लाह आपको अपनी रहमत में रखे, तो ये आपके लिए भी अच्छा है। उसका जवाब का मतलब भी यही होता है कि अल्लाह आपको भी अपनी रहमत में रखे, तो जितना हो सके वहाँ पर टीचर्स को सलाम करें, ताकि उनके सामने आपकी थोड़ा अच्छा इंप्रेशन मिले, और टीचर से थोड़ा अच्छा बिहेवियर रखें, अपना इंट्रैक्शन रखें टीचर के साथ, कोशिश करें कि मतलब पढ़ाई थोड़ा अपना लेवल बढ़ाएं पढ़ाई का, क्योंकि वहाँ पे जाके आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि स्टार्टिंग से आपको इतना प्रेशर मिलेगा, इतने सारे आइटम आपके क्लियर करने हैं, तो थोड़ा मुश्किल रहेगा आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आपको अभी से थोड़ी हैबिट बनानी है और बांग्ला सीखना स्टार्ट कर दीजिए। हाँ, तो फिर आपको अब बांग्ला सीखनी है, बांग्ला बहुत इंपॉर्टेंट है वहाँ के, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको मतलब टीचर्स जो होंगे आपको बोलेंगे कि बांग्ला सीखो, क्योंकि आपको थर्ड ईयर में पेशेंट से इंटरेक्ट करना है। हाँ, तो लोकल बांग्लादेशी को हिंदी और इंग्लिश तो आती नहीं, तो आपको उनसे बांग्ला में बात करनी पड़ेगी। बेहतर ये है कि आप जाने से पहले, 1 अगस्त से क्लास स्टार्ट हो रही है जैसे मैंने बताया अभी, तो उसके जाने से पहले आप बांग्ला सॉन्ग और बांग्ला मूवी देखना स्टार्ट करिए, ताकि आपको थोड़े थोड़े वर्ड का मीनिंग पता लगे, क्योंकि वहाँ पे टीचर्स जो होंगे आपको स्टार्टिंग से बांग्ला सिखाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये आपके लिए अच्छा है, तो जितना हो सके बांग्ला सीखने की कोशिश करें, और अपने
टीचर्स का अच्छा टीचर्स के सामने अच्छा इम्प्रेशन बनाइए, सीनियर्स के सामने अच्छा इम्प्रेशन बनाइए, मतलब अच्छा पढ़िए, अंडरस्टैंडिंग पढ़िए, ज़्यादा समझ के पढ़िए, ठीक है। जैसे आपको कोई बोन वोन में दिक्कत आती है तो उसको अपनी टीचर से जाके आप कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि टीचर्स हेल्प नहीं करते, सब हेल्प करते हैं, सब बहुत हेल्पफुल है। बाकी वहाँ पे लोकल सामान जैसे आप आपका टूथब्रश ये सब लेके ही जाना। कुछ सामान होते हैं जो वहाँ पे आपको लेने हैं, जैसे बुक्स का मैंने बताया, बुक्स आपको वहीं से लेनी है। एप्रन आप यहीं से लेके जाइए, बेटर रहेगा। वैसे इंडिया में मिलना मुश्किल है, फुल स्लीव और ये नी के नीचे तक एप्रन होता है वहाँ पे, वो मिलना मुश्किल है, तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। लेकिन मेरी एडवाइस ये है कि आप एक एप्रन तो एटलीस्ट घर से लेके जाएं, वाइवा के लिए रखें उसको, क्योंकि वाइवा में वाइवा जब होता है हमारा कार्ड या टर्म का, तो उसमें आपको वेल मेंटेन होकर जाना है। एक भी एप्रन पे बिल्कुल प्रेस होना चाहिए, कुछ दाग वाग नहीं होने चाहिए, तो उसके लिए आपको एक एप्रन अपना सेफ रखना है ताकि वो गंदा वंदा ना हो, ठीक है। उसके बाद आपका आता है ड्रेसअप। ड्रेसअप बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ड्रेसअप, क्योंकि अब आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है आपके लिए कि आप एक डॉक्टर बनने जा रहे हो, तो यू शुड मेंटेन योर पर्सनैलिटी लाइक अ डॉक्टर, ठीक है। बिहेव लाइक डॉक्टर, ठीक है, टॉक लाइक डॉक्टर, योर मेंटेन योर पर्सनैलिटी लाइक अ डॉक्टर। लाइक हेयर कट, यू शुड मेंटेन योर हेयर कट लाइक अ डॉक्टर। जैसे उनके छोटे छोटे हेयर कट होते हैं, बड़े बाल ना रखें, क्योंकि आपको देखते के साथ ही भगा देंगे, मैम आपको बोलेंगी गेट लॉस, ऐसे ही बोलती हैं। मेरे बड़े बाल थे जब मैं स्टार्टिंग में गया था, तो काफ़ी लॉन्ग हेयर थे मेरे, तो मैम ने मेरे को एक हफ्ते तक रोज़ बोला कट योर हेयर, तो एटलीस्ट मेरे को फिर कटवाने पड़े, मेरे को भी थोड़ा बनना पड़ा, तो मैं नहीं था, तो अब तो फिलहाल मैं इंडिया में हूँ, तो मैंने ऐसे रख रखे हैं बाल, वरना वहाँ पर जाके तो आपने मेरे ब्लॉग्स में देख लिया होगा कैसे रखता हूँ सिंपल। तो आपको भी ऐसे ही सिंपल दिखना है, बस सिंपल, ज़्यादा ओवर स्मार्ट नहीं बनना मैम के टीचर्स के सामने, वहाँ पे सीनियर्स के सामने ओवर स्मार्ट बिल्कुल नहीं बनना है। जैसे हो वैसे हो, नॉर्मल रहना है, ठीक है। जितना नॉर्मल रहोगे उतना ज़्यादा अच्छा, और वहाँ पे लोकल्स के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन रखें, ठीक है, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जैसे आप जाएँ बाहर जाएँ, तो कोशिश ये करें कि खुद बात करें, खुद बांग्ला में बात करने की कोशिश करें। वहाँ इतने मतलब इतना होता है कि आप टूटी फूटी बांग्ला बोलोगे तो वो समझ जाते हैं, तो आप कोशिश ये करिए खुद जाएं, खुद लोकल बांग्लादेशी से इंट्रैक्शन करें, और वहाँ पे जो आपके क्लासमेट्स होंगे उसमें कुछ फॉरनर होंगे, कुछ वहाँ के लोकल होंगे, तो लोकल्स के साथ ज़्यादा इंट्रैक्शन करें। जैसे अब मेरा बैचमेट नाहिद सलमान हो गया, तो इनके साथ मेरा काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन है, ये मेरे काफ़ी अच्छे फ्रेंड है, तो आप इनके साथ भी अपना इंट्रैक्शन रखें, लोकल्स के साथ काफ़ी अच्छा इंट्रैक्शन रखें, क्योंकि आपको तो पता नहीं उस कंट्री के बारे में, ठीक है। अब आप उस कंट्री में जा रहे हो, अब वो आपके पास थोड़ी आए, आप उनके पास जाओ, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उनके साथ इंट्रैक्शन करें, ताकि थोड़ी उनसे इन्फॉर्मेशन लें बांग्लादेश के बारे में, थोड़ा कहाँ घूमने जाना है, मतलब कैसा प्राइजेस क्या है यहाँ के, लोकल शॉप्स पे कैसे जाएं, कैसे बात करें, कैसे बार्गेनिंग करें, बार्गेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, कोशिश करें बार्गेनिंग करने जब जाएं तो गर्ल्स को साथ लेके जाएं, बहुत हेल्प करती है, उन्हें आती है बार्गेनिंग करना, सबको ही पता है। मम्मी के साथ गए होगी कभी बार्गेनिंग करने, मुँह छुपाते होगे वहाँ पर जाके कि मेरे साथ नहीं है ये, तो कोशिश करें गर्ल्स के साथ जाएं, वो अच्छी बार्गेनिंग करती है, ठीक है। तो और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता दे, मैं आंसर दे देता हूँ, वैसे तो यूजुअली मैं कमेंट में रिप्लाई कर देता हूँ, बाकी अगर फिर भी कुछ एक्स्ट्रा डाउट हो तो मेरी इंस्टाग्राम आईडी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप मेरे को वहाँ से मैसेज कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पे, ठीक है। बाकी स्टेथोस्कोप ये सब मैंने बता दिया है, क्लासेस 1 अगस्त से स्टार्ट होंगी, आटा मिलने लग गया है वहाँ पे, ठीक है, दोबारा कमेंट सेक्शन में मत बताना मिल गया हमें आटा, और थैंक यू ऑल ऑफ़ यू। और जो भी लोग इंडिया में हैं, साउथ दिल्ली में रहते हैं, यू शुड विजिट खान पान, क्योंकि इसके कैफ़े में बैठ के मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो थोड़ा इसको क्रेडिट देना पड़ेगा, ये मेरे भाई का ही कैफ़े है, मतलब दोस्त है मेरा, भाई है उसका कैफ़े है, तो यू शुड विजिट खान पान एंड इट्स नाइस कैफ़े, आप यहाँ पर आइए और देख लो कैसा है। Another one.